Welcome to Splendid Mom. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. Hello mommies, welcome to Splendid Moms. आज हम देखेंगे task boxes for 2 to 4 year old. इन बॉक्सेस का यूज करते हुए आप बच्चों को जो बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि नंबर रिकॉग्निशन, कलर रिकॉग्निशन या फिर सॉर्टिंग मैचिंग और जो उनकी फाइन मोटर स्किल्स होती है और जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन होती है जो राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकती हैं। साथ ही बच्चे को आप बिजी रख सकती हैं इन बॉक्सेस के थ्रू, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए दे सकती हैं ताकि वो हमेशा कुछ सीखे इन बॉक्सेस के थ्रू। आइए देखते हैं ईच बॉक्स को डिटेल में। सबसे पहले है कलर सॉर्टिंग बॉक्स, जहाँ पे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं डिफरेंट कलर के और यहाँ पेस्ट कर दिया है। हर फ्लावर के नीचे मैंने एक छोटी सी ओपनिंग बनाई है और बच्चे को क्या करना है, जो भी फ्लावर उसके हाथ में आएगा कलर को सॉर्ट करके, कलर को पहचान के, रिकॉग्नाइज करके, सॉर्ट करके सिमिलर फ्लावर के नीचे जो ओपनिंग है उसमें इस तरह से डाल देना है। इस तरह से येलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बॉक्स है, मेरी बेबी को भी ये बहुत पसंद है। जितने भी बॉक्सेस मैं उसे देती हूँ ये ज्यादा प्रेफर करती है क्योंकि उसे फ्लावर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं और साथ ही कलर सॉर्टिंग उसका फेवरेट गेम है। बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये रैंडम से कोई शू बॉक्स है जो मेरे पास अवेलेबल था। ये बहुत पुराना टास्क बॉक्स है मेरी बेटी का, अभी उसको सारे कलर्स आते हैं फिर भी वो इसके साथ खेलना पसंद करती है। ये फ्लावर कटिंग मैंने किसी सैरी बॉक्स को यूज करते हुए बनाया था। सैरी बॉक्स को जो बेस होता है व्हाइट कलर का बॉक्स होता है उसको मैंने कट किया था फ्लावर शेप में और दोनों साइड मैंने इसको कलर कर दिया, अलग अलग कलर्स मैंने कर दिया है और इस बॉक्स के साथ हम इसे यूज करते हैं। इस तरह के मैनिपुलेटिव से बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है और आप आसानी से उन्हें कलर कॉन्सेप्ट या नंबर कॉन्सेप्ट जो भी आप उन्हें सिखाना चाहती हैं वो आप उन्हें सिखा सकती हैं। ये है नंबर रिकॉग्निशन एंड नंबर सॉर्टिंग रिलेटेड बॉक्स। जिन बच्चों को 1 to 10 नंबर्स ओरली आते हैं इस बॉक्स के थ्रू आप उन्हें नंबर रिकॉग्निशन कराना सिखा सकती हैं। अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो ये सारे बॉक्सेस जो मैंने कलेक्ट किए हैं वो सारे रैंडम शू बॉक्सेस या टॉय बॉक्सेस हैं। इसको मैंने कवर भी नहीं किया, बस मैंने जो ये लिड है ना बॉक्स का जो लिड है इसको मैंने उल्टा कर दिया है और जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे मैंने स्टेपल या प्लास्टर टेप लगाकर उसे फिक्स कर दिया है और ऊपर मैंने नंबर्स यहां लिख दिए हैं। हर नंबर के नीचे मैंने स्लॉट बनाई है, एक ओपनिंग बनाई है पेपर कटर को यूज करके या सीजर को यूज करके। साथ ही मैंने इस तरह के मैनिपुलेटिव्स बनाई है, वाटर ड्रॉप मॉडल, हर वाटर ड्रॉप पे मैंने नंबर भी लिखा है ताकि बच्चा नंबर देखे, रिकॉग्नाइज करे और नंबर मैच करे और उस स्लॉट के नीचे उस नंबर को डाल दे। जैसे कि यहाँ 10 है, अगर बच्चा नंबर रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो वो 10 और 10 को मैच करेगा और इसके नीचे इस तरह से इसके अंदर इसे डाल देगा। इसी तरह से दिस इज 1, 8, 2। सो ये एक बेस्ट गेम रहेगी बच्चों को नंबर रिकॉग्निशन एंड मैचिंग और सॉर्टिंग करवाने के लिए। इस तरह से बच्चों को सारे नंबर्स फिनिश करने होंगे। 2 से 3 बार आप उनके साथ बैठ के खेलिए, उसके बाद इंडिपेंडेंटली उन्हें करने के लिए कहिए। बच्चे आसानी से नंबर रिकॉग्नाइज भी करेंगे और नंबर सीख भी लेंगे। नेक्स्ट है पैटर्न मैचिंग टास्क बॉक्स। इस बॉक्स के हर साइड पे मैंने एक पैटर्न लगाया है इस तरह से और पैटर्न के नीचे मैंने एक ओपनिंग बनाई है, एक स्लॉट बनाई है। बच्चे को क्या करना है, जो भी पैटर्न वो चूज करे उसे डिसाइड करना होगा कि वो किस साइड जाता है। यहाँ पर नहीं जाता है, यहाँ पर ये मैच कर रहा है तो वो इसके अंदर इस तरह से डाल देगा। इसी तरह से ये वाला पैटर्न यहाँ आ जाता है, देन ये वाला पैटर्न यहाँ आ जाता है। इसको करने में बच्चे का बहुत कंसंट्रेशन लगेगा, बहुत फोकस के साथ उसे डिसाइड करना होगा कि ये किस स्लॉट के अंदर जाता है, यहाँ पर या यहाँ पर। पैटर्न मैचिंग मैथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है जो कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अगर पैटर्न कटआउट्स की मैं बात करूं तो इन्हें मैंने किसी सैरी बॉक्स के ऊपर से कलेक्ट किया था। एक सैरी बॉक्स था जिसके ऊपर इस तरह का कुछ डिजाइन बना हुआ था, मैंने उसे पीसेस में इस तरह से कट कर लिया और पैटर्न मैचिंग के लिए मैं इन्हें यूज करती हूं। नेक्स्ट है कलर सॉर्टिंग एंड कलर मैचिंग रिलेटेड टास्क बॉक्स। यहाँ पे इस बॉक्स पे मैंने डिफरेंट कलर किया हुआ है, साथ ही मेरे पास है कुछ आइसक्रीम स्टिक सिमिलर कलर की। बच्चों को क्या करना है, जो भी वो आइसक्रीम स्टिक पिक करे इस तरह से कलर को मैच करना है और इस तरह से स्टिक को इसके अंदर डालना है।
हमारे लिए इजी है, बट छोटे बच्चों के लिए जो 2 या 3 साल के, उनके लिए थोड़ा टफ ये रहेगा। वो इस आइसक्रीम स्टिक्स को अंदर डालते हुए अपने फिंगर्स को यूज करेंगे, उनके फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगे। इसी तरह से पिंक स्टिक यहाँ जाएगी। देखने में ये सिंपल है बट बहुत फन एक्टिविटी रहेगी छोटे बच्चों के लिए। बॉक्स को रीयूज करने के लिए आपको कवर करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसकी जो लिड होती है इसको उल्टा कर ले और जहां रिक्वायर्ड है वहां टेप लगा दे या स्टेपल कर दे, और जो उल्टा साइड इसका होता है वो प्लेन होता है, व्हाइट होता है, तो इसको आप यूज कर सकती है, कलर कर सकती है और टास्क बॉक्स बना सकती है इस तरह से। नेक्स्ट बॉक्स में हम बच्चे को बिग एंड स्मॉल का डिफरेंस सिखाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है कुछ स्ट्रॉस, कुछ बिग साइज की है, कुछ स्मॉल साइज की है। इस बॉक्स में बच्चे को सॉर्ट करना होगा कि कौन सा स्ट्रॉ बिग साइज में जाता है और कौन सा स्मॉल साइज में जाता है। जैसे कि ये बिग वाला स्ट्रॉ बिग स्लॉट में जाता है और ये स्मॉल वाला स्मॉल स्लॉट में जाता है। इसी तरह से वन मोर स्मॉल यहाँ जाएगा, वन मोर बिग वन ये यहाँ जाएगा। और बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी कोई रैंडम बॉक्स है, अगर आप देख सकती है तो मैंने इसको उल्टा कर दिया है इस तरह से, और जहां पे रिक्वायर्ड है मैंने उसे स्टेपल किया है या ग्लू के साथ चिपका दिया है, और इस बॉक्स को भी मैं रीयूज करती हूं। इसी तरह से आप कोई भी बॉक्स घर पे जो आपके पास अवेलेबल है उसे रीयूज करिए और टास्क बॉक्स बनाइए बच्चों को कुछ प्रोडक्टिव सिखाने के लिए। अब बात करते हैं आप इन बॉक्सेस को स्टोर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये सारे रैंडम बॉक्सेस है, एक शू बॉक्स है, कोई टॉय बॉक्स है, मैंने बॉक्सेस ऐसे चूज किए जो एक दूसरे के अंदर फिट आते हैं। जैसे कि ये कलर वाला बॉक्स आप देख सकते हैं, ये सब में बड़ा है, इसके अंदर ये नंबर वाला बॉक्स फिट आ जाता है इस तरह से, और इसके बाद मैं ये फ्लावर कलर सॉर्टिंग वाला बॉक्स के अंदर रख दूंगी, साथ ही ये बॉक्स इसके अंदर चला गया, फिर ये वाला लास्ट बॉक्स है मेरा। और जो भी मैनिपुलेटर्स मैं यूज करती हूँ, जैसे कि ये आइसक्रीम स्टिक्स है, मैंने इस तरह से एक जिपलॉक कवर में रख लिया है ताकि जब भी मुझे कोई भी बॉक्स लेना हो मैं बॉक्स प्लस उसकी जो मैनिपुलेटिव होती है वो ले लेती हूँ और बच्चे को एक्टिविटी करवा देती हूँ इस तरह से। सो ये सारे बॉक्सेस एक के अंदर एक फिट आ जाते हैं और ज्यादा जगह नहीं लेते। इसी तरह से अगर आपके पास अलग अलग साइज वाली बॉक्सेस है तो आप सिर्फ लिड स्टोर करिए, नीचे वाला बेस एक ही रखिए ताकि आप बस जो बॉक्स का लिड होता है वो चेंज करिए और एक्टिविटी करवाइए। आई होप आपको मजा आया ये वीडियो देखने में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.